हाउ टू डू कैलीग्राफी। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे हाउ टू डू कैलीग्राफी के, पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली 5 ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जिसकी वजह से आप लोग कैलीग्राफी बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, और उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो लेट्स गो। तो हाय गाइस, आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देखकर समझ आए क्या होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है अपस्ट्रोक। ये ब्रश पेन को इस तरह होल्ड करना है। इसे हम अपस्ट्रोक कहते हैं। अब बारी है डाउनस्ट्रोक की। तो डाउनस्ट्रोक में हमें अपने हाथों को भार देकर उसे नीचे की तरफ ले जाना है, और ओवरटर्न में हम लोगों को पहले फर्स्ट पतली लाइन एंड देन उसको दबा देना है, एंड देन अंडरटर्न में हमें ओवरटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट करना है। तो अब बारी आती है नेक्स्ट स्ट्रोक की। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रोक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है कंपाउंड कर्व, और इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें ब्रश पेन को जिगजैग में रखना है। जैसे हम पहले हाथ भारी रखते हैं एंड देन आता है ओवल, तो ओवल में पहले उसे हाथ को भारी करना है एंड देन फिर पतला करना है, एंड देन रिवर्स ओवल। तो ओवल को हमको जो कर देना है रिवर्स। तो रिवर्स करने के बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट स्ट्रोक। तो ये है असेंडिंग लूप। तो तो जो नेक्स्ट आता है वो है डिसेंडिंग लूप, यानी असेंडिंग लूप का बिल्कुल रिवर्स। ओके, आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर आप लोगों को अभी तक समझ इन चाय आया तो फिर से ट्राई करो, एक ना एक दिन आ ही जाएगा। सॉरी। हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना।